160 का, और इधर मैंने क्या इतना तक गया, इतना बाकी है। अगर बड़ा होऊंगा तो इस नाम को बड़ा करूंगा, तो लोग मुझे ढोंगी समझेंगे। ये रहा इधर, ये रहा अभी इस पे लगने वाला। तो ये सब मेरा खराब हो गया शायद। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रहा हूँ टायर बदलने, मेरा बाइक का बहुत कुछ खराबी हो गया था वहाँ से आने के बाद, और चोकर भी मतलब सामने वाला दोनों चोकर खत्म पूरा हो गया, तो उसके रिगार्डिंग में जा रहा हूँ वरना बाइक सेंटर पे, वहाँ पे जाके पूरा चेंज वेंज करवाना है, और थोड़ा बड़ा साइज का टायर लगाऊंगा। तो बाकी भी थोड़ा मोटिवेशन क्या होगी आप लोगों को दिखाऊंगा, और भी बहुत बाकी है, पूरा कंप्लीट होने के बाद पूरा रिव्यू करूंगा अपना बाइक। अभी थोड़ा दिखाते हैं कंडीशन बाइक का कैसा है। ये रहा इधर बन्ना टूनट मार के पूरा ख़त्म कर दिया, यहाँ पे दोनों चोकर पूरा ख़त्म है, मेरा इधर भी टूट गया है, बहुत सारा चीज़ है, मैं धीरे धीरे दिखाऊंगा आपको। मोटिवेशन क्या है सामने वाला, थोड़ा एक झलक देख लो। ये रहा, जाते जाते बात करते हैं, चलो लेकर चलते हैं वीडियो पे। आगे हम दुकान के मतलब बाइक सेंटर के बहुत ही नज़दीक आ गए, तो अभी ज़्यादा दूर नहीं है, अभी आ गया हूँ सामने जाके, अभी वो सब कुछ चेंज करवाना है। तवांग का सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत ही मज़ेदार था, और आप लोगों को अगर बजट आया कहाँ पे रहे थे क्या क्या किया थे आप लोग कुछ वो कमेंट में, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हो, उधर जाके पूछ सकते हो क्या 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 हुआ है क्या क्या नहीं। मैं आप लोगों का क्वेश्चन एक और एक वीडियो पे दे दूँगा। तो फिलहाल तो अभी जा रहे हैं, मेरा टायर तो पूरा ख़त्म हो गया है, अब बंडल मार के तो पूरा ख़त्म हो गया है, बंडल मुझे नहीं आता तो सपोर्ट लेके मारा मैंने। और भाई ये एक बार समझ नहीं आता, मैं किसी के साथ रेस वेस नहीं लगाता, लेकिन कुछ बंदों का चुल मची है, मैं जब जाता हूँ सामने से मुझे कट मार के जाते हैं, मेरे को देख के क्या चुल मची है आप लोगों को भाई। मेरे को रेस नहीं लगाना, रेस लगाना आता तो मैं लगा देता आप लोगों से। अरे देखो, क्योंकि ये देखो हमारा रोड ऐसा है विदाउट इंडिकेटर ऐसा कट करते हैं, तो अभी रेस इधर रेस लगाना शुरू किया था, धड़ाम से करके मारूंगा। तो ड्यूक है या एमपी है? पूरा खत्म, पूरा टूट गया। अब अभी अपना शोकर भी ठीक होने जा रहा है, ये देखो इधर पूरा दोनों ख़राब है मेरा, तो तवांग से आने के बाद अभी ठीक होने जा रहा है मेरा। ऑयल सील क्या क्या बोलते हैं अभी शोकर, ये देखो ये कुछ अलग ही है। पंप, इसको कुछ अलग मत सोचना, समझ रहे हो आप? सिर्फ ये कुछ प्रक्रिया है जो ऑयल निकलता है। भाई इधर हमारा दोस्त भी आ गया है, देखो इधर है हमारे और भी कुछ दोस्त हैं, ये देखो। हेलो, आप लोग सब्सक्राइबर हो मेरा? हाँ, थैंक यू। आप नहीं हो? हाँ, आप भी हो? थैंक यू। कम बैक टू माय चैनल। आप इधर क्यों आए हो? हम तो आए आपको देखने के लिए, मिलने के लिए आपसे। आप हमसे मिलने के लिए आए हो? हाँ, अभी अभी काम खत्म हुआ, शुक्र वगैरह पूरा ठीक हो गया, और ये देखो मेरा पूरा टूटा हुआ है इधर, ये सेलेटिव लेके अभी थोड़ा काम चला रहा हूँ, ये देखो सेलेटिव लगा हुआ है, दोस्त ने लगा के दिया इधर। और इधर मेरा पूरा दोनों शक्कर खराब था, अभी पूरा ठीक हो गया है, और उसके बाद जाएंगे टायर पे। ये देखो कैसा लग रहा है टायर, अल्फा है, अपोलो का, अपोलो बोलते हैं ना इसको, अपोलो का 150 साइज का टायर है, और इस ये लगाने के बाद माइलेज पे कितनी, ड्यूक का क्यों बोले, एमटी में भी लगा रहा हूँ एमटी, ये तो ये एक्चुअली ड्यूक 390 में ज़्यादा लगाते हैं या है ही उसका, तो ये लगाने के बाद क्या फ़र्क आता है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, माइलेज पे कितना फ़र्क आता है, बाइक पे कितना चोट आता है, तो आप लोग सब्सक्राइब करो उसके लिए, मैं धीरे धीरे वीडियोस पे बताता रहूँगा। और इसका वारंटी है क्या? 1 ईयर का वारंटी है, और टिकेगा कितना दिन? 3-4 साल टिक जाएगा बोल रहे हैं, तो ठीक है थोड़ा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और प्राइस मैं बताता हूँ आप लोगों को धीरे से, थोड़ी देर रुको वीडियो पे। और इधर पूरा बन के पूरा ठीक हो गया मेरा दो शोकर, अभी सिर्फ टायर लगने का बाकी है। हेलो, अभी टायर लगने वाला है, इधर दो ब्लॉक चल रहा है, ये देखो ये अपना भाई GoPro लेके, इनका भी चैनल है। हाँ, तो अभी ये देखो मेरा घोड़ा क्या करोगे, तो ये तो इधर लगने वाला है अभी इस बाइक के, कौन सा बाइक किसका बाइक है पता नहीं, लेकिन लगने वाला है, इसलिए बैठ के आगे। हाँ, ये अपोलो टन 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 है, ये रहा अभी इस पे लगने वाला, ये मोटा वाला देखो 150, और वो भी हाई क्वालिटी वाला। चलो हम भी आते हैं, कैसे लगाते हैं हम लोग भी देखते हैं। तो भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है,
मेरा ड्रम रबर है पीछे वाला टायर का वो खराब हो गया है और अभी दोनों लॉक कर रहे हैं। देखो ये बाइक इतना भारी है कि मेरा बाइक नहीं है, मेरा भाई का बाइक है। देखो सीधा शोरूम पे जाते हैं, शोरूम से लाना पड़ेगा वो चीज़। तो ये सब मेरा खराब हो गया शायद से, और ये मुझे पड़ा इतना सारा एक सेट मिलता है शोरूम से जाके लेके आया, अभी 150 का पड़ा है सब। ये सब का काम क्या है? सब कुछ तो ये मेरा थोड़ा खराब हो गया था, अभी नया वाला लगा रहा हूँ और ये लगने जा रहा है मेरा टायर। देखो क्या दिख रहा है, मस्त दिख रहा है, अभी से रील बनेगा। अच्छा अच्छा रील, ये 150 साइज का टायर है। उसके ये लगाने के बाद क्या दिक्कतें आता है या अच्छा लगता है वो आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगा। आप लोग उसके लिए सब्सक्राइब करके रखो मेरे चैनल को। हाँ, और उधर मेरा और एक दोस्त बैठा हुआ है, देखो उसको लगने जा रहा है मेरा टायर, और इधर और एक ब्लॉग शूट हो रहा है। तो भाई फाइनली अपनी बाइक में टायर लग चुकी है, ये देखो 160 का, और इधर मैंने कलर थोड़ा कलर मार दिया है, देख सकते हो आप लोग। अभी जाना है थोड़ा, ये देखो सामने है मेरा भाई, बहुत दिन के बाद फिल्टर सटाउन पे जा रहा हूँ मैं, और इधर थोड़ा हाइपर राइड करते हुए। ओके ब्रेक थोड़ा कम लग रहा है ऑयल की वजह से, ऑयल शायद डिस में चला गया इधर, इसीलिए रोड क्लोज है। फिर भी हम लोग घुस गए, जाके देखते हैं कैसा क्या सीन है, जा पाते कि नहीं। पीछे तो मेरा पूरा मडगट ही नहीं है, धीरे जाना पड़ेगा इधर। ओह इसीलिए मुझे लग रहा था बंद है, बंद थोड़ा पीछे जाओ, बंद है क्या? ब्लॉग बना रहा है, ब्लॉग बना रहा है इसे। आप लेके चलो, पता नहीं किधर से जाना है। तो मेरे को डेली ब्लॉग करना नहीं आता, लेकिन वो डेली ब्लॉग भी हो जाता है अगर साथी कोई रहे। तो अभी मेरा राघव के साथ पहला वीडियो है, वो भी मेरा ब्लॉग पे आ रहा है पहला ब्लॉग पे, और मैं भी शायद उसका ब्लॉग पे पहली बार आ रहा हूँ। मेरा लुक थोड़ा गंदा है, उसका लुक थोड़ा अच्छा है। अभी वो तो आगे चला गया, मैं कैसे जाऊँ, मैं भी ऐसे जाऊँगा। थोड़ा पावर ड्रॉप हुआ है शायद से मेरा टायर लगाने के बाद। अरे चाचा अब तुरा देखो, और मेरा भाई पीछे आ रहा है राघव अपना डोमिनार लेके, और मैं जा रहा हूँ अपना एमटी फुल मोड लेके। और टायर लगाने के बाद थोड़ा ड्रॉप हुआ है, पिकअप में थोड़ा लग रहा है कुछ चेंजेस हुआ है, लेकिन वो कम्फर्ट थोड़ा शायद बढ़ जाएगा वो पता है मुझे। ये रास्ता इधर निकलता है आके, तो ये रास्ता इधर निकलता है आके बाईपास पे, तो समझे आप। तो ये रहा बाईपास, अभी इधर कुछ रुकेंगे हम लोग, अपना बाइक का लुक्स दिखाएंगे आपको। ये रहा अपना नया टायर भाई, उफ क्या इतना तक गया, सिर्फ इतना बाकी है, अभी खेल शुरू हुआ है ब्रो, खेल शुरू हुआ है। अभी बाइक का बहुत कुछ मॉडिफिकेशंस बाकी है, तो ये रहा कुछ झलक आप लोग देख जाओ। तो ये भाई भी अपना वीडियो बना रहे हैं, और ये रहा भाई का बाइक डोमिनार 250, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ा आता है चलाने में। तो एक राइड इधर इस पर भी कर लेता हूँ मैं। ये रहा डोमिनार का कुछ पोर्शन, इसका हैंडल बार थोड़ा उस साइड है, एक पे गिना जाता है 52 78 99 भाई पावर, नेक्स्ट लेवल पावर है, मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो भाई हर का पोर्शन में ऐसा घूमो, बहुत ही बढ़िया है कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करो। और भी बहुत कुछ बाकी है मेरे बाइक में लगाना, और धुने का बाकी है, सिर्फ ये जगह थोड़ा ख़राब लग रहा है दिखने में, आप पता है मुझे, तो ये चेंज करवा दूंगा धीरे धीरे। बाइक जिसका होता है भाई उसका मतलब 10 पैसा भी नहीं रहता अपने पॉकेट पे। और ये रहा सिलचर विंग्स दवाईरस ब्लॉग, अभी अगर बड़ा होऊंगा तो इस नाम को बड़ा करूंगा सिलचर विंग्स। और अगर आपका सपोर्ट रहा सिलचर लोगों का, सिलचर विंग्स सिर्फ मतलब मैं अकेला नहीं, और मैं बोल भी नहीं रहा हूं, मैं लीडर हूं। अगर हम दो चार तीन चार ब्लॉगर मिलके इसका एक मतलब इसको क्या बोलते हैं संगठन, हम हमारा बंगाली में बोलते हैं संगठन, एक यूनियन, तो ये बनाऊंगा। अभी अगर मैं इसका अनाउंसमेंट करूँ तो लोग मुझे ढोंगी समझेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ बिल्ड नहीं है, कुछ ऑडियंस नहीं, थोड़ा थोड़ा है, यूट्यूबर होंगे वो हंसेंगे। हाँ हंसेंगे, तो अगर थोड़ा मैं थोड़ा बिल्ड हो जाऊँ तो इस नाम को बड़ा करूँगा। हाँ। मैं नहीं करूँगा, हम सब करेंगे, हम दोनों मिलकर करेंगे, और भी जितने हमारे साथ जुड़ेंगे बिना बेईमानी के बिना मतलब के, तो वो भी इस पे नाम पे जुड़ेंगे सिलचर विंग्स। ये मैंने मेरा अकेला नहीं है, सबका है, और आप लोगों का भी है, द सिलचर द वायरस ब्लॉग सिलचर। इधर और भी ये हटा दूंगा, लेकिन ये रहेगा अगर सब लोग हमारा एक सब मिलकर एक यूनियन बनाए। तो यही रहा सिलचर, आप लोगों का पब्लिक आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और भी बहुत कुछ आगे जाने का है। और टायर तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं इसको ऐसा पकड़ के देखते बढ़िया, नहीं हुए इसका 1K करवा दो भाई। मेरा तो ऊपर वाले का शुक्र है, आप लोगों का प्यार है, इसीलिए 1K जल्दी हो गया, फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, वही दुख है।
আইছে কিটা আইছে সামনে রইছে ও সামনে সামনে আছে নিবা ও তো লুয়া ও তো লুয়া বাকরিও না এখন বাকরলে পুরা দেখব কি না না বাকরলে নিবা লা না না বাকরলে সব ফার্ম যাইব কি ফার্ম যাব না ফার্ম গেলে পারা না কিন্তু ইউ করব না মানে খানা বলি টিউব টিউব वाला না নি ও নাই নি কোনটা আন্দরে আনজুন আবি জগর জানা হ্যায় জানা হ্যায় হ্যাঁ তো ইনকা পতা নি কি করনা হ্যায় टायर तो मैंने बदल लिया तो वही दिक्कत आ रहा है मतलब थोड़ा खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है 150 वो जाहिर सी बात है 150 लगा 150 की जगह 50 लगाया लेकिन लुक के लिए कंफर्ट के लिए ठीक है वो सब कुछ मतलब समझ सकता हूँ मैं। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को आई होप आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा और अच्छा नहीं लगा तो भी भाई भाई को सपोर्ट करो भाई नया है यूट्यूब पे धीरे धीरे सीख जाएगा सीख भी रहा है आप लोगों की डांट से प्यार से सब कुछ से तो वही बात है सपोर्ट करो भाई को और आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों से मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ और एक नया दिन के साथ और एक नया उमंग के साथ टाटा बाय बाय सी यू एंड जल्दी मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।